नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थलों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। याद रखिए, आपके जितने भी मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान के चैप्टर खत्म हुए हैं, वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसी में पड़े हुए हैं। ठीक है, क्रम से इसमें बात करेंगे हम लोग ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से माना जाता है। विकास की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए विद्वानों ने पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित किया है, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से इन तीनों काल से संबंधित औजार हमें प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं हम लोग पूर्व पाषाण युग के बारे में। इस युग के विशेष औजार बिना बेंट अथवा लकड़ी के बेंट वाले हस्त कुठार के अतिरिक्त खुरचनी, मुष्टि कुठार, क्रोड़ मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों से हमें मिले हुए। पूर्व पाषाण युगीन स्थल नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बैतवा घाटी, सोनार घाटी, सोन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं आदि में पाए गए हैं। ये जितने भी पूर्व पाषाण युग के आपके औजार रहे हैं, ये आपकी नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बैतवा घाटी, सोनार घाटी, सोन घाटी, भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए। होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच नर्मदा घाटी जीवाश्म में प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर देवकछार बर्मान घाट ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा के मध्य एवं जबलपुर भेड़ा घाट से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म में प्राप्त हुए। नरसिंहपुर के निकट हथनौरा से नवीन खोज के तहत एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। भीमबेटका एवं रीवा क्षेत्र से छुरी एवं छैनी मिली है। सोन घाटी के क्षेत्र में निसार अहमद ने अनेक स्थलों से पूर्व पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए हैं। मालवा क्षेत्र में चंबल की सहायक नदी जो सेवना नदी की खोज में मंदसौर तथा नाहरगढ़ नामक स्थानों से पूर्व पाषाण युगीन औजार भी प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं मध्य पाषाण युग के बारे में। इस युग में आपके जस्पर, चट, क्वार्ट्ज, फ्लेंट आदि उच्च कोटि के पत्थरों से बने औजारों में खुरचनिया, नोक एवं बेदनी प्रमुख हैं। ये औजार मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बैतवा इनकी सहायक नदियों की घाटियों में पाए गए। इसके अतिरिक्त जबलपुर सागर, मंदसौर सीधीपुर तथा पश्चिम नेवाड़, विदिशा, नरसिंहपुर, देवास, छिदवाड़ा, उज्जैन आदि से मध्य पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युगीन स्थलों की बात करें मध्य प्रदेश में तो कायथा उज्जैन में है। ये आपका सिंधु नदी घाटी के तट पर बारह मिहिर की जन्म स्थली है। एरन सागर में है। प्राचीन नाम एरिकीण है, भानुगुप्त का अभिलेख मिला है यहाँ से। नौदा टोली खरगोन में है। नर्मदा तट पर स्थित तथा विदेशियों के आप्रवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से हमें। नांगदा उज्जैन चंबल तट पर माइक्रोलिथस के साक्ष्य मिले। खेड़ीनामा होशंगाबाद में 1500 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। बीबी मिश्रा ने भीमबेटका रायसेन में इस युग के ब्लेड अवयवों के विकास को अनुरेखित किया है। आदमगढ़ से पालतू जानवर की हड्डियां बड़ी मात्रा में मिली हैं। कहाँ से? आदमगढ़ से। याद रखिए, पूछ लेता है भीमबेटका की गुफाएँ कहाँ हैं, तो रायसेन में। इसी तरह की आपको पॉइंट याद रखना है। उज्जैन नांगदा कहाँ है? उज्जैन में। किस नदी के तट पर? तो चंबल नदी के तट पर। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर पाषाण युग। इस युग के जास्पर, कैल्सेडोनी तथा क्वार्ट्ज पत्थरों से बने सल्क, क्रोड़, फलक, बेदनी, समलंब, तिकोने, अर्धचंद्राकार लघु रूपता वाले औजार मध्य प्रदेश में पूर्वी नेवाड़, शहडोल, मंदसौर, होशंगाबाद, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, पन्ना, धार, विदिशा इत्यादि जिलों से हमें प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद।
श्री इस युग की सीप से बनी वस्तुएं मिली हमें, जिसकी तिथि लगभग 5500 ईसा पूर्व है। फिर आते हैं हम लोग नवपाषाण युग में। इस युग के प्रमुख औजार सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला आदि थे। फॉलिशदार रूप में मध्य प्रदेश के सागर, एरन, गढ़ी मोरिला, जबलपुर, मुनई कुन्नम, बूढ़ी चेंका, दमोह हट्टा, होशंगाबाद, छतरपुर, जतकारा जिलों में पाए गए इस काल के औजार। इस युग में मनुष्य ने कृषि, पशुपालन, मृदभांड बनाना, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अस्त्र शस्त्र, अग्नि का प्रयोग करना सीखा था। नवपाषाण के बाद आते हैं हम लोग ताम्रपाषाण युग पर। मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए। परंतु हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण युग के अवशेष मालवा क्षेत्र के नांगदा, नवदा टोली, कायथा, आवरा, एरन, वीसनगर आदि से प्राप्त हुए। आवरा आपका मंदसौर में, ताम्रपाषाण से लेकर गुप्त काल तक के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। डोंगवाला उज्जैन में है ताम्रपाषाण बस्ती है। नवदा टोली एवं महेश्वर के अवशेष 1660 ईसा पूर्व से 1440 ईसा पूर्व तक, एरन के अवशेष 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक, वीसनगर के अवशेष 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक, कायथा के अवशेष 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व के स्तरीय प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। कायथा से मोटे और मजबूत ब्राउन स्लिप्ड बियर नामक मृदभांड पाए गए। मालवा के मृदभांड हल्के पीले एवं नारंगी रंग के हैं, जिनमें काले और गहरे भूरे रंग से चित्रकारी है। श्री वाकड़कर द्वारा चंबल, सेवना, रेतम, छोटी काली सिंध, पार्वती, बेतवा, गंभीर आदि नदियों से किए गए खोज में 52 ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जहाँ ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित मृदभांड, लघु पाषाण औजार आदि सामग्री प्राप्त हुई है। बात करते हैं प्रमुख खोजकर्ता और स्थलों के बारे में। ये हैं आपके प्रमुख स्थल और खोजकर्ता। ये स्थान हो गए, आपकी महत्वपूर्ण सामग्री हो गई और खोजकर्ता। महादेव पिपरिया नर्मदा घाटी के पास 860 औजार प्राप्त हुए हैं यहाँ से हमें। इसके खोजकर्ता थे सुपेकर। हथनौरा आपका होशंगाबाद नर्मदा घाटी के पास है। नरम देवशिष मानव की खोपड़ी यहाँ से मिली है। HD संकारिया और मेक ब्राउन यहाँ के खोजकर्ता थे। मंदसौर चंबल घाटी उपकरण यहाँ से मिले हैं। यहाँ के खोजकर्ता थे प्रोफेसर वाकड़कर। भीमबेटका नर्मदा घाटी ब्लेड उपकरण यहाँ से मिले हैं। बीबी मिश्रा यहाँ आदमगढ़ सैलाशय होशंगाबाद ये 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले यहाँ से हैं। इसके खोजकर्ता थे आर वी जोशी। अब बात कर लेते हैं हम लोग लोहे युग के बारे में। मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरोत्तर भाग ग्वालियर, भिंड, मुरैना में लोह युग के धूसर चित्रित मृदभांड के अवशेष पाए गए, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के थे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग महापाषाण युग के बारे में। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महापाषाणीय स्मारक मेगालिथ के कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश के सिवनी और रीवा क्षेत्रों में हमें मिले हैं। फिर आता है हमारा वैदिक युग। मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद से नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार, विशेषकर निषाद जाति लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों से में निवास करते थे। तो याद रखना है आपको, ऋग्वेद में कोई भी ऐसा ऐतिहासिक तत्व नहीं है जो मध्य प्रदेश से संबंधित हो, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार लोग थे, जो जाति थी निषाद जाति, इसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे।
बात करते हैं हम लोग महाकाव्य काल के बारे में। कारूस वंश, इसके संस्थापक थे मनु पुरुष पुत्र कारूस। क्षेत्र था इनका बघेलखंड। चंद वंश एल साम्राज्य, संस्थापक थे सौम्य या चंद। महाराजा ययाति ने चंद साम्राज्य 5 पुत्रों में बांटा था। इक्ष्वाकु वंश दंडकारण्य राज्य, इसके संस्थापक थे कौन? मनुपुत्र इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में पर था, जो बाद में दंडकारण्य कहलाया। रामायण के राम वनवास के समय जिस दंडक वन में रहे वह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले का दंडकारण्य क्षेत्र ही था। फिर आपका हेहर साम्राज्य महेश्वर, इसके संस्थापक थे यदुपुत्र हेहर। राजधानी थी इनकी महेश्वर धार। मध्य प्रदेश में हेयर वंशी राजा कीर्तिवीर ने लंका नरेश रावण को परास्त किया था। ये भी कई बार पूछ लिया है। मध्य प्रदेश के हेयर वंश राजा कीर्तिवीर ने लंका नरेश रावण को परास्त किया था। हेयर वंशीय राजा महिष्म ने नर्मदा नदी के तट पर महेशवंती नामक नगर बसाया था। महाकाव्य काल में यादव वंशीय राजा मधु का उल्लेख मिलता है। राजा मधु अयोध्या के शासक दशरथ के समकालीन थे। महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के राज वत्स, चेदी, कारूस, दसाड़, मत्स, वर्तमान बघेलखंड, बुंदेलखंड का क्षेत्र था। महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लेने वाले राज्यों में महिष्मति, अवंती, भोज, अंधक, निषद, वृष्णि आदि थे। परशुराम राजा जगदग्नि के पुत्र थे, जिनके नाम पर जानापाव महू है। निषाद जाति का राज्य सतपुड़ा और विंध्याचल के जंगलों में था। शत्रुघ्न विरू राम के छोटे भाई के पुत्र शंभु घाती का शासन विदिशा राजधानी कुशावती पर था। जनश्रुति है कि मध्य प्रदेश के पन्ना राज्य की नींव भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों ने रखी थी। फिर आते हैं हम लोग महाजनपद पर। किसके महाजनपद पर? महाजनपद 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत के 16 जनपदों में महाजनपदों में से चेदी और अवंती मध्य प्रदेश में थे। 16 महाजनपदों में से कौन कौन से मध्य प्रदेश में थे? एक आपका चेदी, दूसरा अवंती। अवंती जनपद 2 प्रांतों में विभक्त था। एक उत्तरी जनपद की राजधानी आपकी उज्जैनी थी और दक्षिणी जनपद की राजधानी आपकी महिष्मति थी। तो पूछेगा उत्तरी जनपद की महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। दक्षिणी जनपद की महिष्मति। चंद्रप्रगोर और पालक अवंती के प्रसिद्ध शासक बौद्ध काल से संबंधित हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के अन्य 2 प्रसिद्ध नगर कुरर और सुदर्शनपुर थे। अवंती प्रदेश बौद्ध धर्म का एक सुप्रसिद्ध केंद्र था। हम लोग पहुंचते हैं अब मौर्य वंश पर। किस पर? मौर्योग। मौर्य में अशोक विदिशा की महामारी से महादेवी से इन्होंने विवाह किया। अशोक ने विदिशा की महादेवी से विवाह किया। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया अशोक ने। वेस्ट टेकरी उज्जैन का निर्माण कराया। अशोक मौर्य राजा बनने के पूर्व अवंती नामक चक प्रांत का प्रांतपति था। बौद्ध ग्रंथ दीप वंश के अनुसार फायान के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक के 2 अभिलेख मध्य प्रदेश में रूपनाथ, जबलपुर, गुर्जर, दतिया से मिलता है। अशोक ने अवंती महाजनपद जीत कर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, ऐसा बुद्ध घोष ने सामंत पाशादिका में उल्लेख किया है। परंतु अशोक द्वारा अवंती विजय का अन्य किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। सांची के महत्वपूर्ण अभिलेख में अशोक के द्वारा आधुनिक विदिशा, सोनारी, सतधारा, भोजपुर, अधेर में भी अनेक स्तूपों का निर्माण कराया गया। सांची के अतिरिक्त इन स्तूपों के शेष खोज में प्राप्त हुए हैं। सतना में भरहूत का निर्माण स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। अशोक के बाद आता है फिर शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। हर्षचरित
तथा पुराणों के अनुसार 184 से 85 ईसा पूर्व में के सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने युवराज अग्निमित्र को पूर्वी मालवा की राजधानी विदिशा का शासन बनाकर भेजा था। सुंग काल में पुष्यमित्र सुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। सांची स्तूप के तोरण द्वार का किसने बनवाया था? सुंग, पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है, ये पूछ लेता है सांची के स्तूप के तोरण द्वार का किसने बनवाया? पुष्यमित्र सुंग ने। बात करते हैं सातवाहनों के बारे में। कौन से? सातवाहन काल। सातवाहनों का उल्लेख सांची लेख में मिलता है। सांची स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम के 72 ईसा पूर्व में पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का उल्लेख करता है। सातवाहन शासकों के राजा श्री सात नामांकित सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी से मिलते हैं, जबकि वशिष्ठि पुत्र पुलगामावी 130 से 154 ईस्वी के सिक्के भेलसा अथवा देवास से प्राप्त होते हैं। अंतिम शासक सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के आपके उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर से मिलते हैं। फिर है हमारे हिंद यवन इंडो ग्रीक आक्रमण। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात थे मिनांडर। इनका कार्यकाल क्या रहा है? 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक। मध्य प्रदेश के बालाघाट से मिनांडर के सिक्के मिले हैं हमें। रोम देश के कुछ सिक्के भी मंदसौर आवरा से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है आपका शक राज्य। उज्जैनी शक राज्य। उज्जैनी का शक राज्य कारदमक वंश, इसके संस्थापक थे चष्टन या यशोमिति। चष्टन के सिक्के आपके उज्जैन तथा शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। शक छत्तपों का उल्लेख उज्जैन से मिला है। प्रमुख राजा थे रुद्रदामन, संस्कृत का विद्वान, गिरनार संस्कृति संस्कृत अभिलेख से। अंतिम राजा रुद्रसेन तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा था। फिर आता है आपका कुषाण काल। शहडोल से कनिष्क और हुविस्क के सिक्के तथा वासुदेव के ताम्र सिक्के तेवर जबलपुर से प्राप्त हुए। भेड़ाघाट जबलपुर से कुषाणकालीन बौद्ध प्रतिमाएं तथा मूर्ति लेख प्राप्त हुए हैं। कुषाण शासक विर्म करफिसिस का एक सिक्का हमें विदिशा से भी मिला है। कुषाणकालीन अभिलेखों में वासिशिस्क का सांची अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ाघाट से प्राप्त दो मूर्ति लेख प्राप्त हुए हैं। फिर आता है आपका उज्जैनी के विक्रमादित्य। कौन? उज्जैनी के विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इस नगर के गौरवशाली राजा हुए। उज्जैनी के लोक कथाओं के में विक्रमादित्य का एक परम आदर्श राजा के रूप में विचलित है। वेताल 25 और सिंहासन 32 इनके प्रमुख अनुपम उदाहरण हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। कौन सा? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत। फिर आता है आपका नागवंश। दूसरी शताब्दी के अंतिम चरण में वृषनाग ने विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की। विदिशा से प्राप्त वृषनाग का सिक्का ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में नागवंश का के अंतिम शासक गणपति नाम का नाम आया है। नागवंश के अधिकांश सिक्के पवाया प्राचीन पद्मावती से हमें प्राप्त हुए। फिर आता है हमारा गुप्त काल। समुद्रगुप्त द्वारा मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग तथा नर्मदा नदी की उत्तरी सीमा तक अपना राज्य स्थापित करने की पुष्टि बमनाला और सकोर से प्राप्त समुद्रगुप्त के सिक्कों से होती है। हमें काच नामक राजा के सिक्के विदिशा तथा सकोर से मिले। काच को कुछ इतिहासकार समुद्रगुप्त का भाई या समुद्रगुप्त का दूसरा नाम मानते हैं।
समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश से होकर दक्षिण पर आक्रमण किया। उसने 9 गणराज्यों अभीर, सनकानिक, खरपरी, काक, मालव आदि को जीता जो मध्य प्रदेश में थे। एरण सागर से समुद्रगुप्त के प्रांतपति भानुगुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो गोपराज की विधवा की सती होने का प्रथम अभिलेख है। सती होने का प्रथम अभिलेख आपका एरण सागर से मिला है। एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित के अनुसार एरण सौभोग नगर के नाम से भी प्रसिद्ध था। समुद्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राजा रूप सिंह को मारकर उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाई थी अपनी। गुप्त शासक रामगुप्त के सिंह तथा गरुड़ प्रकार के तांबे के सिक्के एरण तथा विदिशा से हमें मिले हैं। उदयगिरी पहाड़ी गुफा में उत्कीर्ण चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रही विसेन के अभिलेख मध्य प्रदेश के गुप्त सत्ता के स्पष्ट साक्ष्य हैं। गुप्त संवत 93 412 से 13 ईस्वी तक का एक अभिलेख सांची के स्तूप से मिला है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के कर्मचारी आमक देव द्वारा काकनाद बोट सांची के महाविहार को आर संघ को दान देने का उल्लेख किया गया है। इसमें स्कंदगुप्त के विंध्य प्रदेश पर प्रभाव को सोपिया रीवा से प्राप्त स्तंभ लेख दर्शाता है। तिगवा का वैष्णव मंदिर, उदयगिरी की गुफाओं व बाघ की गुफाओं का चित्रण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, फिर आता है आपका वकाटक वंश। कौन सा वकाटक वंश? संस्थापक कौन था इसका? विंध्य शक्ति। इसकी राजधानी थी पुरी का, संभवतः विदिशा, वत्स गुल्म। प्रमुख राजा हुए प्रवरसेन प्रथम, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए इसने। प्रवरसेन द्वितीय सेतुबंध काव्य प्राकृत भाषा की रचना की इसने। सर्वसेन गाथा सप्तशती हरिविजय की रचना की इसने। प्रवरसेन द्वितीय के 12 दान पत्रों में से कुछ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट तथा इंदौर जिलों में प्राप्त हुए। नरेंद्र सेन के उत्तराधिकारी पृथ्वी सेन द्वितीय 470 ईस्वी का बालाघाट से एक अपूर्ण ताम्रपत्र मिला है, जिसमें उसके द्वारा वकाटक वंश को औन्नत दशा में से उत्कर्षण स्थिति में लाने का उल्लेख किया गया है। पर आपका ओलीकर वंश। कौन सा? ओलीकर वंश, मंदसौर। इसके संस्थापक थे जयवर्धन। गुप्त साम्राज्य के विस्तार 4वीं शताब्दी का उत्तरार्ध के समय दसपुर मंदसौर में मालवों की एक शाखा ओलीकर वंश की स्थापना हुई। मंदसौर शिलालेख के अनुसार यशोद धर्मन ने जानिंद नाराधिपति राजाधिराज परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी। फिर आता है आपका मोकरी वंश, मंदसौर। इसका संस्थापक था यशो वर्मन, हूणों को हराया था इसने। मध्य प्रदेश के पूर्व निवाड़ जिले में असीरगढ़ के किले से महाराजाधिराज सर्व वर्मन का एक ताम्रमोहर लेख प्राप्त हुआ है। इस लेख की प्राप्ति से कुछ विद्वानों का यह मत है कि मुखरियों के साम्राज्य का पूर्व निवाड़ जिले तक विस्तार था। फिर आते हैं आपके राष्ट्रकूट वंश। 7वीं से 10वीं शताब्दी के तक राष्ट्रकूट वंश की 2 शाखाएं राज्य मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर थीं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश राजवंश की पहली शाखा 7वीं से 8वीं सदी तक बैतूल अमरावती क्षेत्र पर राज्य करती थी। राष्ट्रकूट राजवंश की पहली शाखा 4 ज्ञात राजा थे। इसमें कौन कौन से? दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिकराज और नन्नराज योद्धासुर। राष्ट्रकूट राजवंश की दूसरी शाखा मानकेट में राज्य करती थी। दूसरी शाखा के संस्थापक थे दंतीदुर्ग 733 ईस्वी में। दंतीदुर्ग ने अपनी विदर्भ जागीर का विस्तार करते हुए उज्जैनी के गुर्जर शासकों को पराजित किया तथा विजय के उपलक्ष्य में यह हिरण्य गर्भ दान किया। मालवा पर अधिकार सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार शासक भोज ने युद्ध करना राजा भोज से युद्ध करना पड़ा था। राष्ट्रकूट
वंश के शासकों के अंतिम समय में इस वंश का प्रभाव उत्तर की ओर बढ़ गया था, क्योंकि अंतिम शासक कृष्ण द्वितीय का नाम छिंदवाड़ा जिले के नीलकंठी शिलालेख से में भी आता है, तथा इसी की प्रशस्ति से युक्त एक शिलालेख मध्य प्रदेश को उत्तरी सीमा पर मेहर के पश्चिम में लगभग 12 मील दूर जुरा नामक ग्राम से प्राप्त हुआ। राष्ट्रकूट राजवंश के अन्य राजा गोलहदेव का उल्लेख लगभग 12वीं शताब्दी में बाहुरी बंद स्थान में स्थित जैन मूर्ति लेख से प्राप्त हुआ है। फिर आता है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश 730 ईस्वी के लगभग उज्जैनी में नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की गई। जैन गेंद कुवलय माला एवं हरिवंश पुराण के अनुसार गुर्जर वत्सराज का शासन मालवा पर था। नागभट्ट द्वितीय को कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक राजा कहा जाता है। वह उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश का चौथा शासक था। दौलतपुर अभिलेख में मेहरभोज कियास प्रभासेन से शासन चतुर्थ मंदिर ग्वालियर के अभिलेख में आदिवराय तथा सागर ताल प्रशस्ति में मिहिर आदि उपाधियों से मंडित किया गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक मेहरभोज 836 ईस्वी से 885 ईस्वी ने अपने राज्य को संगठित करते हुए बुंदेलखंड पर पुनः अधिकार कर लिया। मध्य प्रदेश में मेहरभोज के दो अभिलेख ग्वालियर से, एक अभिलेख आपका ग्वालियर जिले के सागर ताल से मिला है। उल्लेखनीय है कि अभिलेख ग्वालियर के स्थानीय प्रशासन तथा व्यापार श्रेणियों पर प्रकाश डालते हैं। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश से संबंधित तीन सामंतों में क्रमशः त्रिपुरी के कलचुरी, मालवा के परमार और बुंदेलखंड के चंदेल ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। तो बात करते हैं हम लोग चंदेल वंश। बुंदेलखंड और जिजाक भुक्ति प्रदेश, इसके संस्थापक थे चंदेल वंश के नन्नोक 831 ईस्वी में। इसके प्रमुख राजा हुए यशोवर्मन। खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। किसने? यशोवर्मन ने। फिर हुआ धंग, ये खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिरों का इसने। फिर हुआ गंडदेव, चित्तगुप्त मंदिर का निर्माण कराया। फिर विद्याधर मंदिर, ये आपका गजनवी को भगाया इसने। वह लखदेव ये अंतिम राजा था। धंग के राज्यकाल में खजुराहो के दो श्रेष्ठतम मंदिरों पार्श्वनाथ और विश्वनाथ का निर्माण कराया। तो याद रखना, सबसे पहले तो आप चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नो। इसमें जो राजा हुए उनसे संबंधित जो कार्य हुए उनको याद रखना। जैसे यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धंग ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया। गंडदेव ने आपका चित्तगुप्त का मंदिर बनवाया था। फिर आता है आपका परमार वंश धार, इसके संस्थापक थे उपेंद्र कृष्ण राज। प्रमुख राजा हुआ इसमें मुंज, सिंधुराज और राजा भोज। राजा भोज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण, परमार वंश का सबसे महान शासक था ये। भोजताल भोपाल, भोजपुर शिवलिंग, भोजशाला धार का निर्माता तथा 23 ग्रंथ लिखे इसने राजा भोज ने। राजा भोज कलम्बा तलवार का धनी था। भोज प्रथम के राजकाल के 11 अभिलेख उज्जैन, देपालपुर, धार, बैठमा, भोजपुर तथा महेंदी से प्राप्त हुए हैं। धार प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेदेव को पराजित किया था। चिरवा अभिलेख से पता चलता है कि चित्रकूट का दुर्ग भोज का अधीन था। भोज का राज्य चित्रौड़, वांसगढ़, डूंगरपुर, भेलसा, खानदेश, कोंकड़, गोदावरी तट घाटी के उत्तरी भाग तक विस्तृत था। इस विशाल राज्य की राजधानी थी धारानगरी, आधुनिक नाम है इसका धार। भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह प्रथम का एक ताम्रपत्र जो धार के विक्रम संवत 1112 में विचलित किया गया था, मंदाता से प्राप्त हुआ। इसमें अमरेश्वर मंदिर स्थित पट्टशाला में निवास कर रहे ब्राह्मणों के लिए एक ग्राम देने का
उल्लेख किया गया है। नागाई अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालुक्य नरेश सौमिश्र द्वितीय ने भोज की राजधानी धारानगरी पर आक्रमण किया, जिसमें राजा भोज पराजित हुआ था। बात करते हैं तोमर वंश। कौन सा? तोमर वंश। इसके तोमर वंश के संस्थापक थे आपके वीर सिंह देव। इसकी राजधानी थी ग्वालियर। प्रमुख राजा हुए मानसिंह और विक्रमादित्य। डूरंग सिंह के शासनकाल में ग्वालियर के किले की दीवारों पर जैन प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गईं, जो उनके द्वारा जैन धर्म को फेसे देने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तोमर वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ मानसिंह। 1486 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक रहा, जिसे दिल्ली के बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी से युद्ध करना पड़ा। राजा मानसिंह ने मेगनैनी के लिए गुजरी महल का निर्माण करवाया था। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कोतूहल की रचना की। याद रखना, गुजरी महल का निर्माण आपके मानसिंह ने करवाया था और मान कोतूहल की रचना भी आपके मानसिंह ने ही करवाई थी। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का किला जीता। इसी युद्ध में आपका मानसिंह की मृत्यु हो गई। फिर आपका त्रिपुरी का कलचुरी वंश। त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक था वाम राजदेव। इसकी राजधानी थी तेवर त्रिपुरी। प्रमुख राजा हुए इसमें गांगे देव, त्रिलंगाधिपति लक्ष्मीकरण। कलचुरी की प्राचीन राजधानी महिष्मती थी, जिसका संस्थापक था कृष्णराज। उसके चांदी के सिक्के बीसनगर, तेवर तथा पट्टन से प्राप्त हुए। गांगे देव के उत्तराधिकारी उसके पुत्र कर्ण की लगातार सैनिक उपलब्धियों के कारण उसे हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। किसे? कर्ण को। गांगे देव के उत्तराधिकारी उसके पुत्र कर्ण को। बात करते हैं हम लोग एक चार्ट के रूम में मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनका क्षेत्र, ठीक है, इन्हें याद रखना है। कारुस वंश, ये आपका बघेलखंड था इनका क्षेत्र। चंद वंश, एल सम्राट, बघेलखंड से बुंदेलखंड तक इनका क्षेत्र था। यादव वंश, चंबल बैतवा कैन नदियों का मध्य भूभाग था इनका क्षेत्र। सुंग वंश, विदिशा बेशनगर। कारदमक वंश, सखों का उपवंश, ये उज्जैन था इनका। नागवंश, विदिशा ग्वालियर। बोधी वंश, जबलपुर त्रिपुरी या तेवर। मगवंश, बघेलखंड। आभीर वंश, अहिरवाड़ा विदिशा झांसी। वकाटक वंश, विंध्य प्रदेश। ओलियर वंश, दसपुर मंदसौर। मोकरी वंश, मालवा, दसपुर मंदसौर। परिव्रजक वंश, बुंदेलखंड। फिर है उच्चकल्प राजवंश, इसका है अंचहरा, सतना। सेलवंश आपका महाकौशल। पांडव वंश, मैकाल प्रदेश, अमरकंटक। गुर्जर तिहार वंश, उज्जैन। गुट्टीटल वंश, मंदसौर। चंदेल वंश आपका बुंदेलखंड। कच्छप घात वंश, ग्वालियर। तोमर वंश, ग्वालियर। परमार वंश, मालवाधार। बुंदेला राजवंश, बुंदेलखंड। होलकर वंश, मालवा इंदौर। सिंधिया वंश, गुना ग्वालियर। नवाब वंश आपका भोपाल, नवाब भोपाल से संबंधित थे, ठीक है। तो ये थे आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनका क्षेत्र। अब बात करते हैं हम लोग मध्यकाल में। अब आते हैं मध्यकाल में, मध्यकाल को देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। 1952 के तराइन युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा उत्तर भारत में सत्ता के विस्तार के प्रयासों के तहत मध्य प्रदेश में 1195 से 96 में ग्वालियर तथा मुरैना क्षेत्र में आक्रमण किया। मध्य प्रदेश में गौरी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण सफलता बुंदेलखंड की विजय थी। क्या थी? बुंदेलखंड की विजय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की अनुपस्थिति में 1202 से 1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमरदियो को पराजित कर कलिंजर महोबा और खजुराहो पर अधिकार किया था। मालवा में कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला धावा उज्जैन पर था।
कहाँ? उज्जैन पर। ग्यारह 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग को घेर लिया था। 11 मई के घेराव के बाद पीतिहार शासकों की पराजय हुई इसमें। 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपना मालवा अभियान के दौरान भेलसा पर आक्रमण किया, उसे तहस नहस कर दिया था। 1251 में बलबन ने उलगू खां के नेतृत्व में कलिंजर पर आक्रमण किया था। 1292 में अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन खिलजी के काल में मालवर पर आक्रमण किया था। इस समय परमार राजा भोज द्वितीय सत्तारूढ़ था। इस आक्रमण में ही उसने भेलसा का दुर्ग जीत लिया था। उसके बाद चलते हैं 1252 में अलाउद्दीन ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया और फिर उसने विदिशा पर आक्रमण किया। 1295 ईस्वी में जलालुद्दीन शिकार के लिए एक अभियान पर ग्वालियर आया था। उसने वहाँ के यात्रियों के लिए एक भवन बनवाया था। ठीक है। 1296 ईस्वी में सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व उसका सेनापति एन उल मुल्क ने किया था। 1305 में एन उल मुल्क के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने अपने सैनिक का दल मालवा पर आक्रमण करने हेतु भेजा। इस आक्रमण में परमार शासक हरनंद कोला मारा गया। फिर आया 13 नवंबर 1305 को मांडू पर अलाउद्दीन की सेना का कब्जा हो गया। 1305 में अंतिम महान चंदेरी शासक हमीर वर्मन 1289 से 1308 ईस्वी तक के उपरांत दमोह जबलपुर प्रदेश अलाउद्दीन के अधीन हो गए। यह बात दमोह से 28 किलोमीटर दूर सलेया ग्राम से प्राप्त एक शिलालेख से स्पष्ट होती है। यह शिलालेख विक्रम संवत 1366 यानी कि 1309 ईस्वी का है और उसमें अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा गया है। 1324 ईस्वी में बट्टीहागढ़ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस काल में ग्यासुद्दीन तुगलक का आधिपत्य दमोह क्षेत्र पर था। यह अभिलेख फारसी भाषा में है। ठीक। 1328 में एक अन्य बटियागढ़ अभिलेख से जो संस्कृत में है ज्ञात होता कि उस काल में दमोह क्षेत्र में सुल्तान महमूद अथवा अर्थात मोहम्मद तुगलक का राज्य था। 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। इस समय चंबल का शासक देव वर्मा था। 1375 में देव वर्मा का निधन हो गया। उसके उत्तराधिकारी वीर सिंह देव ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और स्वतंत्र शासक बन बैठा। 1505 में एक सती लेख दमोह जिले में मिला, जिसमें ग्यासुद्दीन के पुत्र नसरुद्दीन का उल्लेख है। 1512 में महमूद शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। दमोह क्षेत्र से मालवा के सुल्तानों की सत्ता समाप्त हो गई। 1425 ईस्वी में ग्वालियर के सिंहासन पर डूंगर सिंह बैठा। उन्होंने ग्वालियर के किले के पास एक विशाल चट्टान पर जैन तीर्थकर की मूर्ति उत्कीर्ण की थी। ग्वालियर के तोमर वंश का सबसे महान शासक हुआ मानसिंह तोमर। कौन हुआ? मानसिंह तोमर। ये रहा आपका 1486 से 1517 तक। परमार शासक के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत के अधीन मालवा के इतिहास को अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है। मालवा में गौरी राजवंश की स्थापना के साथ ही मालवा का इतिहास चमत्कृत हो उठा। मालवा की स्वतंत्र सल्तनत के संस्थापक दिलावर खां गोरी का वास्तविक नाम हुसैन था और मातृपक्ष से वह दमिश्क के सुल्तान सिहाबुद्दीन गोरी का वंशज था। दिलावर खां ने अपने पुत्र अल्फ खां के आग्रह पर सुल्तान आदिम शाह दाऊद दिलावर खां गोरी की पदवी धारण कर अपने आप को मालवा के स्वतंत्र शासक सुल्तान घोषित किया। दिलावर खां कला प्रेमी था। वह मालवा में मध्ययुगीन
मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक रहा है। कौन? दिलावर खान। दिलावर खान ने धार और मांडू में दो मस्जिदों का निर्माण भी कराया, जिसमें स्थानीय और मुस्लिम शैली का समन्वय। धार और मांडू में दो मस्जिदों का निर्माण किसने कराया था? दिलावर खान। 1406 ईस्वी में दिलावर खां गौरी का बड़ा पुत्र अल्प खां असुल्तान उल आजम होसाम उल उद्दुनिया बदीन अम्बुल मुजाहिद होशंग शाह का असुल्तान की पदवी धारण कर गद्दी पर बैठा। होशंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। वर्तमान में मांडू में जो होशंग शाह का मकबरा है, उसे महमूद खिलजी ने अपने शासनकाल में बनवाया था। ठीक है, मांडू में है आपका होशंग शाह का मकबरा। सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु के 2 दिन बाद 8 जुलाई 1435 को गजनी खां सुल्तान मोहम्मद शाह गौरी के नाम से गद्दी पर बैठा। 2 जुलाई 1526 में बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान बना और 28 मार्च 1531 में मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया इसने। 31 मार्च 1531 को बहादुर शाह ने मांडू में खुतबा अपने नाम का पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। फिर आता है आपका जून 1535 मांडू पर हुमायूं का अधिकार हो गया। मालवा में हुमायूं का कुछ समय रहना निरर्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उसकी उपस्थिति में मालवा में केवल सैनिक आधिपत्य थी। मल्लू खां सिकंदर खां मेहतर जम्मूर ने उज्जैन सहित मालवा के कई स्थानों पर अधिकार कर लिए। हुमायूं के जाने के बाद बहादुर शाह ने मालवा में मल्लू खां को सूबेदार नियुक्त किया। बहादुर शाह के उत्तराधिकारी महमूद शाह ने मल्लू खां को मांडू में कादिर शाह की उपाधि प्रदान करो उसके नाम से खुतबा पढ़ने और सिक्के जारी करने का फरमान जारी किया। 22 मई 1545 में कलिंजर के किले के घेरे के समय शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 22 मई 1545 में कलिंजर के घेरे के समय शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। 1554 से 1555 में सुजात खां मालवा में स्वतंत्र हो गया। मालवा से बाहर अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयत्न में वाज बहादुर ने पूर्व में गढ़ा राज्य की गोंड राज रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, जिसमें वह पूरी बुरी तरह से पराजित हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने आदम खां के नेतृत्व में 12 मार्च 1561 में मालवा की विजय के लिए सेना भेजी थी। 1528 ईस्वी में मालवा में राजपूत के प्रभुत्व के समय आष्टा नेमिनाथ में ने स्थानीय हिंदी में श्रीपाल चरित सुदर्शन चरित और नेमिनाथ पुराण की रचना की थी। मालवा में नर्तकियों को पतूरिया कहा जाता है। मालवा के प्रारंभिक भवनों में 4 मस्जिदें प्रमुख थीं, जिनका निर्माण 1400 ईस्वी से 1425 ईस्वी के मध्य हुआ। कमाल मौला मस्जिद और लाट मस्जिद धार में, दिलावर खां की मस्जिद, मलिक मुगीस की मस्जिद मालवा में। ठीक है, पंद्रहवीं और 16वीं सदी में पूरे 200 साल तक मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा यानी वर्तमान बुरहानपुर जिले का इलाका खानदेश के फारूकी सुल्तानों के अंतर्गत रहा है। असीरगढ़ के किले को दक्कन के रास्ते का फहरुआ कहा माना जाता है। बुरहानपुर खानदेश के सल्तनत की राजधानी थी। असीरगढ़ इस सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित किला माना जाता है। अंग्रेज यात्री राल फिच लिखता है कि बुरहानपुर के सिक्के एक तरह की चांदी के बने होते थे, जो गोल और मोटे होते थे। उनकी कीमत 20 पैसे होती थी। कितनी? 20 पैसे। राजा अली खान ने 1588 से 1589 में बुरहानपुर में जामा मस्जिद बनवाई, जिसमें 2 शिलालेख हैं, एक अरबी में और दूसरा आपका संस्कृत में।
1601 में असीरगढ़ के किले पर बादशाह अकबर का अधिकार हो गया। 15वीं और 16वीं सदी में भारत में जितने भी सूफी संत हुए उनमें से ज़्यादातर बुरहानपुर में रहे हैं। बुरहानपुर की स्थापना शेख बुरहाउद्दीन बुरहानुद्दीन नामक एक सूफी संत के नाम पर हुई थी। ठीक है, अकबरनामा कौन सी? अकबरनामा में गढ़मंडला को गढ़ कटंगा नाम कहा गया है। 1700 ईस्वी के आसपास जब गौंड राजा नरेंद्र शाह ने रामनगर से राजधानी हटाकर मंडला स्थानांतरित की तो गढ़ा राज्य गढ़मंडला के नाम से जाने जाने लगा। 18वीं सदी के मराठी और अंग्रेजी स्रोतों में से गढ़मंडला भी ही कहा गया है। गढ़ा राज्य के महानतम शासक संग्राम साय के सिक्के में उसे पुलस्तई वंशी कहा जाता है। नर रई का युद्ध मुगलों की गढ़ा राज्य की विजय का पहला चरण था। खेला का किला आज मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अवस्थित है। खेला का किला मुकुंद राज स्वामी के मराठी ग्रंथ विवेक सिंधु ने यह उल्लेख मिलता है कि मुकुंद राज अपने अंतिम दिन खेला के राजपूत राजा जैतपाल के संरक्षण में बिताए। खेला राज्य के सबसे प्रतापी राजा का नाम नरसिंह राय था। इतिहासकार फरिश्ता की कृति तारी के फरिश्ता में खेला राज्य का प्रमाणिक उल्लेख मिलता है। 1601 ईस्वी में दक्कन के अभियान में जो सफलता अकबर को मिली थी उससे बरार का प्रदेश भी उसके अधिकार में आ गया था। जाटवा देवगढ़ का ऐसा पहला शासक था जिसका उल्लेख निर्विवाद रूप में से इतिहास में मिलता है। देवगढ़ के शासक के रूप में जाटवा का उल्लेख अकबरनामा और आईने ए अकबरी दोनों में मिलता है। नागपुर के गोंड राजा स्वयं को देवगढ़ के संस्थानिक कहते थे। बुंदेला ठाकुरों का उद्भव अयोध्या के राजा रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंश से माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि बुंदेला ठाकुर विंध्य क्षेत्र या विंध्यावटी पर्वत अंचल के भूभाग में राज्य स्थापित करने के कारण बुंदेला और बाद में बुंदेला नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी मान्यता है कि 14वीं सदी के अंत में इस भूभाग का नाम जिजागुप्ती के स्थान पर बुंदेलखंड पड़ा था। अजमेर के प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 से 1193 ने चंदेल शासक परमरदियों पर सन 1182-83 में आक्रमण कर बुंदेलखंड के महोबा से लगे भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। 1202 से 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड के प्रसिद्ध दुर्ग कलिंजर पर आक्रमण किया था। 1231 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने कलिंजर पर आक्रमण किया जो केवल लूटपाट तक सीमित था। मलखान सिंह के निधन के बाद रुद्र प्रताप बुंदेला उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसने बुंदेला की नींव नवीन राजधानी ओरछा की नींव 3 अप्रैल 1531 को रखी थी। इस्लाम शाह सूर 1545 से 53 तक जतारा वर्तमान टीकमगढ़ जिले की तहसील को विभाजित कर इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया था इसने। ठीक है, भारती चंद ने पुनः जतरा पर कब्जा कर उसका नाम इस्लामाबाद के स्थान पर जतारा ही प्रचलित किया था और अभी भी आप जतारा ही इसे बोला जाता है। भारती चंद के बाद उसका भाई मधुकर शाह बुंदेला ओरछा की गद्दी पर बैठा। मधुकर शाह और उसकी रानी गणेश कुंवरी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अपने माथे पर बड़ा सा तिलक लगाते थे जो आज भी मधुकर शाही तिलक के नाम से प्रसिद्ध है। मधुकर शाह के 8 पुत्रों में एक बीर सिंह देव को वर्तमान में दतिया जिले में स्थित छोटी बड़ौनी की जागीर मिली थी। अकबर के विद्रोही पुत्र शहजादा सलीम के कहने पर वीर सिंह देव ने दक्षिण से आगरा की ओर जाते समय अकबर के विशिष्ट मंत्री अबुल फजल का वध नरवर आंत्री के बीच सराय वरार में 9 अगस्त
1602 को कर दिया था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा पर आया। उसने अपने यात्रा वृतांत में चंदेरी के विषय में लिखा है, यह नगर बहुत बड़ा है और बाजारों में सदा भीड़ लगी रहती है। जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया, उसे विजित किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में चंदेरी पर अधिकार कर समस्त मालवा को अपने अधिकार में कर लिया। होशंग शाह 1405 से 1435 के शासनकाल में चंदेरी में अनेक महत्वपूर्ण इमारतें, तालाब आदि बने थे, जिनमें दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। चंदेरी में चंदेरी का शासक मेदिनी राय चित्तौड़ के प्रसिद्ध राणा संग्राम को अपना संरक्षक मानता था। बाबर ने बाबरनामा नामक ग्रंथ में लिखा है कि मेदिनी राय राणा सांगा का अत्यंत विश्वासी आदमी था। बुंदेलखंड के सभी शासकों को आंचलिक कागज पत्रों में महाराजाधीराज ही लिखा जाता था। दलपत राय बुंदेला 1678 से 1707 ईस्वी तक दतिया राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ। उसका मूल नाम था प्रताप सिंह। दलपत राय बुंदेला ने दतिया में एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, इसका नाम प्रतापगढ़ दुर्ग है। बुंदेलखंड के अंचल में कहावत आज भी प्रसिद्ध है कि दतिया दलपत राव की जीत सके ना कोई। पृथ्वी सिंह बुंदेला हिंदी साहित्य के इतिहास में रसनिधि के नाम से विख्यात थे। सत्रह सौ 1783 ईस्वी में विक्रमादित्य सिंह ने ओरछा रियासत की राजधानी ओरछा के स्थान पर टिहरी को बनाया था। 1785 में भगवान कृष्ण के एक नाम टीकम के आधार पर टिहरी का नाम आपका टीकमगढ़ रखा गया था। 4 मई 1618 को ओरछा के सैनिक और बघाट के जागीरदार के बीच युद्ध हुआ, जो बघाट का युद्ध कहलाया। ठीक है, 1816 में चंदेरी राज्य की स्थापना ओरछा राज्य के तत्कालीन शासक राम साय 1605 में ओरछा से स्थानांतरित कर चंदेरी भेजे जाने के कारण हुई थी। ग्वालियर के सिंधिया फ्रेंच कमांडर जीन बैप्टिस्ट ने 1810 में चंदेरी पर आक्रमण कर इसमें दो तिहाई भूभाग पर अधिकार कर लिया था। 1813 में चंदेरी पर सिंधिया का कब्जा हो गया। बुंदेलखंड और मुगल संबंध। बुंदेलखंड शासक सोहन पान ने खंगारों की शक्ति का दमन कर बुंदेला राज्य की नींव रखी थी। इनकी राजधानी थी ओरछा। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी, याद रखना, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। चंपत राय का विद्रोह। औरंगजेब की नीति से असंतुष्ट हो चंपत राय ने विद्रोह किया था। फिर आता है आपका बघेल वंश और मुगल संबंध। बघेल राज्य की राज्य क्षेत्र का नाम भथा था, जो वर्तमान रीवा है। राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन तन्ना पांडे रहता था। अकबर के दूत जलाल खान ने तानसेन को रामचंद्र से लेकर अकबर के दरबार में पहुंचाया था। भथा राज्य के अंतिम शासक मार्तंड सिंह थे। ये था आपका मध्यकाल। बात करेंगे हम लोग आधुनिक काल के बारे में। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक काल को देखेंगे। होलकर वंश। मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होलकर वंश का राज स्थापित हुआ। 1727 में मल्हार राव होलकर को मालवा के 5 महलों की सनत पेशवा से मिली थी। 1729 में धार देवास के पवार राज को भी सनत मिली। 1730 ईस्वी में मल्हार राव मालवा के सर्वोच्च शासक नियुक्त हुए। मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद मालेराव होलकर राजा बना। मालेराव की मृत्यु के पश्चात उसकी मां अहल्याबाई ने होलकर शासन की बागडोर संभाली थी।
पेशवा बाजीराव ने 1732 में मालवा सूबा होलकर सिंधिया और पवार के बीच विभक्त कर दिया। 1732 में मालवा में निम्नलिखित मराठों राज्यों की नींव पड़ी। इंदौर में आपका होलकर राजवंश, धार में आनंदराव पवार वंश, देवास और बड़ी पांती में तुकोजी वंश, देवास और छोटी पांती में जीवाजी वंश। होलकरों ने 1757 के गदर में क्रांतिकारियों का गुप्त समर्थन किया था। होलकर वंश के अंतिम राजा तुकोजी द्वितीय के समय इस राज्य का विलय भारत संघ में करके मध्य भारत का अंग बना दिया। फिर आता है हमारा सिंधिया वंश। सिंधिया वंश की बात करें तो 1731 में मालवा का एक भाग सिंधिया को मिला था। उस समय रानोजी सिंधिया शासक थे। 1765 में महादजी सिंधिया ने गोहद के जाट राजा राणा लोकेंद्र सिंह जाट से ग्वालियर का किला छीना। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखना है, महादजी सिंधिया ने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1794 में दौलत राव सिंधिया महादजी के उत्तराधिकारी बने। सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी उज्जैन थी। दौलत राव ने उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को अपनी राजधानी 1810 में बनाए। ठीक है, अप्रैल 1948 में जीवाजी राव सिंधिया के समय ही मध्य भारत के राजाओं का एक संघ बनाया गया। मध्य भारत का उद्घाटन 28 मई 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज़ादी के बाद मध्य भारत के पहले राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिलाई 18 मई 1948 को। फिर बात करते हैं स्वाधीनता संग्राम। 1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व नागपुर के शासक अप्पाजी भोंसले द्वारा किया गया था। नागपुर के तत्कालीन देशभक्त अप्पाजी भोंसले को अंग्रेजों ने मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी एवं नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ देने हेतु बाध्य किया। अप्पाजी भोंसले ने अरबी सैनिकों की सहायता से बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु वे पराजित हो गए थे। सन 1842 में नरसिंहपुर के जमींदार ढिल्लन साहे और हीरापुर के करैन साहे ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। फिर आती है आपकी 1857 की क्रांति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह आपका नीमच छावनी में, कहाँ? नीमच छावनी में, इससे याद रखना है। 3 जून 1857 को पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया गया था। कर्नल सीवी सौबर्ष ने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच छावनी के विद्रोह को दबा दिया। ग्वालियर की मुरार छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी। शेख रमजान के नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ। गढ़मंडला में शंकर साहे ने विद्रोह किया। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। इसी समय महू छावनी में शहादत खां के नेतृत्व में जबरदस्त विद्रोह हुआ और अंग्रेजी सेना परास्त कर दी गई। इसी क्रांति की मुख्य पात्र रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने तत्या टोपी के साथ ग्वालियर का घेरा डाला। तत्या टोपी 2 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, लेकिन नरवर के गद्दार सामंत मानसिंह सिंधिया के सामंत ने उन्हें अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया तथा शिवपुरी में उन्हें 18 अप्रैल 1959 को फांसी दे दी गई। यहाँ आपने एक ध्यान दिया, क्या लिखा है, नरवर के गद्दार मानसिंह ने उन्हें अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया और शिवपुरी में उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। इतिहास देखिए किसी को माफ नहीं करती है। आप अगर किसी के साथ गलत करते हैं या देश के साथ गद्दारी करते हैं,
आपको इतिहास में आपके जाने के बाद शायद फर्क ना पड़े, लेकिन नाम उसकी सजा ही कह लो मिलेगी आपको। देखिए, सिंधिया के आगे भी आपको गद्दार शब्द मिलेगा और इनके आगे भी। तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में मेजर मीडू ने षड्यंत्र पूर्वक पकड़ा था। एक और वीरांगना अवंतीबाई ने रामगढ़ रियासत मंडला में झांसी की रानी जैसी भूमिका निभाई और अंग्रेजी सेनापति वार्डन को भागने पर मजबूर किया। अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कट्टर से आत्महत्या कर ली थी। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश महाराजा जीवाजी राव सिंधिया थे। जबरिया लेवी के विरुद्ध चाचल आंदोलन रीवा में चलाया गया था। नरसिंहगढ़ के युवराज चैन सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध शहीद हुए राज्य के पहले सेनानी थे। कौन? चैन सिंह। ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में ह्यूमरोज की सेना का साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई। मालवा विद्रोह का केंद्र इंदौर था, जहां सादत खां के नेतृत्व में होलकर सैन्य टुकड़ी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस समय इंदौर रेजिमेंट का नेतृत्व करता कर्नल ड्यूरेंड था। 1857 में महू के विद्रोह का नेतृत्व मुराद अली खां ने किया था। याद रखना, महू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुराद अली खां ने। मंडलेश्वर उज्जैन सेंट्रल जेल पर विद्रोही सैनिकों ने हमला कर सरकारी खजाना लूट लिया व षड्यंत्र होने की घोषणा कर दी, स्वतंत्र होने की सोच। इस विद्रोह में बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेप्स मारे गए तथा विद्रोहियों ने 2 वर्ष तक यहाँ शासन किया। पश्चिमी नेवाड़ के भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों की संगठित सेना ने सेंधवा में विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया भोपाल की बेगम सिकंदर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। होलकर भी विद्रोहियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी थी। कर्नल ड्यूरेंड, कर्नल स्टाकटो और कैप्टन लुडुओ व कीथ को भोपाल की बेगम सिकंदर ने शरण दी थी। सन 1857 के मुख्य विद्रोही, ये विद्रोही हैं आपके, संबंधित स्थल हैं शेख रमजान, ये सागर से संबंधित थे। टंड्या भील, ये आपके खरगोन से। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत, ठीक है, कि इनका कहाँ की नेतृत्व करता था। शेख रमजान कहाँ से? सागर। टंड्या भील, खरगोन। शंकर साय, गढ़मंडला। राजा ठाकुर प्रसाद, राघोगढ़। नारायण सिंह, रायपुर। शहादत खां, महू। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी कालपी। सुरेंद्र राय, संबलपुर छत्तीसगढ़। तात्या टोपे, कानपुर झांसी ग्वालियर। भीमा नायक, मंडलेश्वर उज्जैन। रानी अवंतीबाई, रामगढ़। झलकारी बाई, झांसी। लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। गिरधारी बाई, रामगढ़। अवंतीबाई की अंगरक्षक। श्री बहादुर एवं देवी सिंह, मंडला। और कुंवर चैन सिंह, सीहोर। बात करते हैं अब हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। किसके? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1899 में लाहौर में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग और शासन को पृथक करने की आवाज़ उठाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1904 में मानी जाती है। कब? 1904 में। 1906 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर राघवेंद्र, हरि सिंह गौर आदि ने सक्रिय भागीदारी की थी।
राजनीतिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हो गई हुई थी। कब? 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। भारत में पहली अंतरिम निर्वाचित सरकार काबुल अफगानिस्तान में 1915 में गठित की गई थी। इसके प्रधानमंत्री थे भोपाल के मौलाना बरकतुल्ला। वर्ष 1916 में मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राज्य के मगनलाल बांगड़ी ने हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन कर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में कसाई खाना आंदोलन 1920 में रतौना सागर में किया गया था। याद रखना, कसाई खाना आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। 1920 में हुआ है रतौना सागर में। प्रभाकर डुंडीराज असहयोग आंदोलन के प्रदेश में नेतृत्वकर्ता थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश में अब्दुल जफ्फार खान ने किया था। किसने? अब्दुल जफ्फार खान। भोपाल रियासत की सेऊर कोतवाली के सामने 1922 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। बात करते हैं जबलपुर झंडा सत्याग्रह। जबलपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में असहयोग आंदोलन की तैयारी की जांच पड़ताल के लिए गठित कांग्रेस की समिति में जबलपुर आई, जिसके नेतृत्वकर्ता थे नेता हकीम अजमल खां। जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने अजमल खां के सम्मान में जबलपुर नगर पालिका भवन में पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराने का निर्णय लिया था। यह सम्मान डिप्टी कमिश्नर गोरे को ब्रिटिश हुकूमत का अपमान महसूस हुआ और उसने आदेश दिया कि तिरंगे झंडे को न केवल उतार दिया जाए बल्कि पैरों से कुचल भी दिया जाए। ब्रिटिश हुकूमत की अपमानजनक कार्रवाई के विरोध में पंडित सुंदरलाल सुमित्रा कुमारी चौहान नाथुराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान आदि ने झंडे के साथ जुलूस निकाला। पुलिस ने सभी नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा पंडित सुंदरलाल पर मुकदमा चलाकर उन्हें 6 मास के कारावास की सजा दी थी। झंडा सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी के बाद प्रेमचंद, सीताराम जाधव, झिंगेलाल स्वर्णकार, टोडल लाला आदि ने टाउन हॉल में पर झंडा फहरा दिया और यहीं से झंडा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस राष्ट्रीय अपमान के प्रतिकार स्वरूप कांग्रेस ने झंडा आंदोलन के संचालन का निश्चय किया। जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इस आंदोलन का केंद्र बिंदु आपका नागपुर को बनाया गया। 13 अप्रैल 1923 को मंचेरसा आवारी के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रहियों का पहला जुलूस नागपुर से निकाला गया। इस दौरान सरोजिनी नायडू और मौलाना आज़ाद का जबलपुर में आगमन हुआ। कंचे दीलाल, वंशीलाल, काशी प्रसाद ने टाउन हॉल पर झंडा फहराया। इन तीनों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर 3-3 माह की कैद की सजा सुनाई गई थी। फिर बात करते हैं हम लोग जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह ये हुआ आपका 1930 में। टूरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी जिला तथा घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह बैतूल के आदिवासियों द्वारा किया गया था। टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में सिवनी जिले में दांडी मार्च के समय दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में किया गया था। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह ये गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। टूरिया जंगल सत्याग्रह याद रखना किसके? ये आपका दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ। घोड़ा डोंगरी ये गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ। फिर होता है अपना नमक सत्याग्रह। जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 1930 में नमक सत्याग्रह के समय सिवनी में किसरी दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया।
पंजाब मेल हत्याकांड 1931 खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित है। पंजाब मेल हत्याकांड 1931 ये आपका खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना है। चरण पादुका नरसंहार 1931 में छतरपुर क्षेत्र में चरण पादुका ग्राम में 6 सेनानी शहीद हुए। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा के नाम से जाना जाता है। गोली चलाने का आदेश कर्नल फ्रेसर ने दिया था। किसने? कर्नल फ्रेसर। 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन सूत का सूत्रपात स्वामी ज्ञानंद की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। झाबुआ में कर वृद्धि विरोधी आंदोलन 1935 में चलाया गया था। फिर आता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 में जबलपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तिप्पुरी जबलपुर के निकट है। वह कांग्रेस का अधिवेशन 1939 का हुआ। चरूर हाईवा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित है आपका। फिर है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 मध्य प्रदेश में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर रियासत की विदिशा से हुई थी। मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने जेल तोड़ी तथा भोपाल के नवाब के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा। 1948 ईस्वी में दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख बनाया गया। खंडवा से सुबोध सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स के प्रकाशन के साथ राष्ट्रवाद का प्रचार बढ़ने लगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पत्र करमवीर से राष्ट्रीय चेतना के प्रचार को नई दिशा दी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ वर्तमान अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कब? 23 जुलाई 1906 को। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1925 से 27 झांसी और ओरछा के बीच गांव ढीमपुरा के नज़दीक पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था। चंद्रशेखर ने अदालत में अपना नाम आज़ाद और पिता का नाम स्वाधीन, अपना घर जेलखाना बताया था। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह आदि ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927 में की थी। चंद्रशेखर आज़ाद ओरछा टीकमगढ़ में कुछ समय भूमिगत रहे थे। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। यहीं पर उनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और जब एक गोली बची तो भारत माता का यह सपूत खुद को गोली मारकर शहीद हो गया। तो याद रखिए अल्फ्रेड पार्क या चंद्रशेखर पार्क इन्हीं की याद में बना हुआ है, ठीक है वहाँ। फिर हैं आपके जननायक टंड्याबील। आदिवासियों के जननायक और निवाड़ का गौरव कहे जाने वाले टंड्याबील का जन्म 1842 में पश्चिमी निवाड़ के ग्राम बीरी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था तांतिया भील, जिसे अंग्रेजों ने टंड्याक कर दिया। 1857 की क्रांति में महज 15 वर्ष के थे, तभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। आदिवासियों के रॉबिनहुड नाम से जाने जाने वाले टंड्याबील अंग्रेजों की छत छाया में फलने फूलने वाले जमाखोरों से लूट गए माल को भूखे नंगे और शोषित आदिवासियों में बांट देते थे। 1888 से 89 में गिरफ्तार टंट्या पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। फिर हैं आपके कुंवर चैन सिंह। कौन है? कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहलाने का गौरव प्राप्त है। वे नरसिंहपुर के राजकुमार थे। उन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। किन्हें? कुंवर चैन सिंह को। कुंवर चैन
सिंह 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा बाग मैदान में शहीद हुए थे। फिर आपके तत्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थे जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार की के प्रति थी। पेशवा नाना साहब की ओर से उन्होंने सेनाओं का नेतृत्व किया था तत्या टोपे ने। तत्या टोपे का जन्म नासिक के निकट महाराष्ट्र के पटोदा जिले के येवला गांव में 1814 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था रामचंद पांडुरंग। तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद पांडुरंग। उनके पिता पांडुरंग भट्ट बाजीराव के यहाँ पुरोहित थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 18 अप्रैल 1859 को तत्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। कब? 18 अप्रैल 1859 को। फिर है आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह की महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम मनु था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी थी। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सत्ता से भयंकर संघर्ष किया। सर ह्यूमरोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी आई तत्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। ब्रिटिश सेनापति ह्यूमरोज से ने ग्वालियर के किले को घेर लिया और 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई। वर्ष 2013 में उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया। फिर है आपकी वीरांगना अवंतीबाई। वीरांगना अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मणकेड़ी गांव में हुआ। मंडला जिले की वीर सेनानियों में रामगढ़ की रानी को देश की महानतम वीरांगनाओं में स्थान प्राप्त है। उनका विवाह शिवरात्रि के दिन मंडला जिले के रामगढ़ रियासत के राजकुमार विक्रमजीत सिंह के साथ हुआ था। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके एकमात्र पुत्र विक्रमजीत सिंह के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण उसे अयोग्य करार देते हुए ब्रिटिश सरकार ने शासन अपने हाथों में ले लिया। रानी ने अपना विरोध प्रकट करते हुए वहाँ नियुक्त अंग्रेज अधिकारी को मार भगाया और राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया। रानी मृत्यु पर्यंत अंग्रेजों से संघर्ष करती रहीं और 20 मार्च 1858 को भी युद्ध करती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई। फिर हैं आपके राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह अमजहरा के राजा बख्तावर सिंह मालवा के पहले शासक थे जिन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी किंतु अपने ही सहयोगियों द्वारा विश्वासघात के कारण राजा गिरफ्तार किए गए। अंग्रेजों ने उन्हें इंदौर में फांसी पर चढ़ा दिया। ठाकुर रणमत सिंह काकू गुलाम भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने वाले मध्य प्रदेश विंध्य क्षेत्र के ठाकुर रणमत सिंह का नाम प्रमुख है। उन्होंने नागौद राज्य के रेजिडेंट पर हमला कर दिया था जिसके कारण उन्होंने नागौद से भागकर अजयगढ़ में शरण ली। अजयगढ़ के तत्कालीन राजा रणमत सिंह पर हमला करने के लिए केसरी सिंह बुंदेला के नेतृत्व में एक फौज भेज दी। रणजीत सिंह व केसरी सिंहों की फौजों में घमासान युद्ध हुआ। अंत में रणमत सिंह और केसरी सिंह भी आमने सामने हुए और उन्होंने केसरी सिंह को युद्ध में मार डाला। अंग्रेजों ने धोखा देकर उन्हें जालपा देवी के मंदिर परिसर में बने उनके मित्र विजय शंकर नांग के घर के तहखाने से उस समय गिरफ्तार कर दिया जब वो सो रहे थे। उन्हें सन 1859 में अनंत चतुर्दशी के उसी दिन फांसी की सजा दी गई जिस दिन उनका जन्म हुआ था। फिर हैं आपके
राजा शंकर साय। गड़ा मंडला के अंतिम राजा शंकर साय शौर्य एवं बलिदान के प्रतीक हैं। उन्होंने मुहर्रम के दिन अंग्रेजों की छावनी पर हमला करने की योजना बनाई, परंतु गिरधारी दास द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को यह जानकारी दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर क्लार्क 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर साय के निवास पर आक्रमण करने पहुंचा। 14 अन्य अनुयायियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। उन्हें देशद्रोह के अपराध में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। आगे बात करते हैं शहीद गुलाब सिंह। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के वीर शहीद गुलाब सिंह का नाम स्वतंत्रता आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अगस्त 1942 को कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर में युवक गुलाब सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। गुलाब सिंह के बढ़ते कदम को रोकने के लिए 14 अगस्त को पुलिस ने जुलूस पर लाठियां चलाईं, जिसमें वीर गुलाब सिंह शहीद हो गए। फिर हैं सयादत खां होलकर महाराजा का विश्वासपात्र और बहादुर सिपाही था। सयादत खां मालवा ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति के वीरों में शामिल किए गए। अक्टूबर 1874 में उन्हें फांसी दे दी गई। फिर आते हैं आपके भीमा नायक। पश्चिम निवाड़ रियासत के पंच मोहाली गांव में सन 1840 में जन्मा हुआ इनका। 2 अप्रैल 1868 को सतपुड़ा के घने जंगलों में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया इन्हें। उनकी कर्मस्थली ग्राम दुआव बाउडी में भीमा नायक को स्मारक बनाया गया है भीमा नायक का। फिर आपकी वीरांगना झलकारी बाई ने अपने असाधारण कौशल, अद्वितीय शौर और अदम्य उत्साह के साथ ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ। कब हुआ? 1830 को बुंदेलखंड के भोजला गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोजला गांव में, ठीक है। झलकारी बाई का विवाह रानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह के साथ हुआ था। झलकारी बाई को लक्ष्मीबाई की महिला शाखा दुर्गा दल में सेनापति का पद प्राप्त था। तो आज हम लोगों ने बात कर ली है ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो भी आपका ऐतिहासिक परिदृश्य था इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। आगे हम लोग बात करेंगे खेल परिदृश्य के बारे में, मध्य प्रदेश के खेल परिदृश्य के बारे में, ठीक है।